हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिलीप और आज हम बात करने वाले हैं एक व्हाट्सएप के इश्यू के बारे में। मैंने हाल ही में अपना फ़ोन को फ्लैश किया और वापस से व्हाट्सएप इंस्टॉल किया और अकाउंट सब क्रिएट किया और मैंने देखा तो एक इश्यू नज़र आ रहा है। इसमें आपको देख लीजिए, सारे नंबर दिख रहे हैं। यहाँ मैंने सारे कॉन्टेक्ट जो सेव किया है उसके सिर्फ नंबर मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे उसका कॉन्टैक्ट नेम मैंने जिस नाम पे सेव किया है वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगर आपके फ़ोन में भी अगर ऐसा इश्यू है तो इस इश्यू को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन दिया गया है सब्सक्राइब का, उसको प्रेस कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और आगे चलते हैं इस वीडियो में, देख लीजिए सारे अब हमें कॉन्टैक्ट नंबर ही दिखाई दे रहे हैं। तो इस इश्यू को हम कैसे सोल्व करें कि हमें यहाँ पे अपना जो नाम सेव किया है हमने कॉन्टैक्ट बुक में वो यहाँ पे शो होने लगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, हम होम स्क्रीन पे आ जाते हैं। अभी यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे ऊपर टाइप करेंगे ऐप परमिशंस और ऐसे ही सिर्फ लिख दीजिए कि परमिशंस। परमिशन करके सर्च कर दीजिए, ये देखिए यहाँ पे ऐप परमिशंस यहाँ पे आया। यहाँ पे देखिए परमिशंस, अदर परमिशन, इंस्टॉलेशन, इसमें परमिशन पे चाहिए। तो यहाँ पे आपको सारी परमिशन आपको दिख जाएगी जो आपके एप्लीकेशन को दी अलाउ की गई है, वो अलाउ नहीं की भी वो भी परमिशन यहाँ पे आपको दिखेगी। यहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट पे जाना है, और यहाँ पे आपको सर्च करना है व्हाट्सएप पे। तो हम नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं और देखते हैं व्हाट्सएप कहाँ पे है हमारा। ये देखिए व्हाट्सएप है यहाँ पे, ये देखिए आपका परमिशन यहाँ नहीं दिया गया है व्हाट्सएप को, कॉन्टैक्ट का परमिशन, जो कि कॉन्टैक्ट डिटेल इसलिए ये व्हाट्सएप रीड नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पे आपको सिंपली इसको यस कर देना है। ये अपना कॉन्टैक्ट ऐप व्हाट्सएप ऐप का कॉन्टैक्ट अभी परमिशन हमने ऑन कर दिया है। अब हम जाके देखते हैं अपने व्हाट्सएप पे कि हमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर नेम सेव शो हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो देखिए अभी तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन ये देखिए मैं एक बार व्हाट्सएप को बंद करके चालू करता हूँ, ये तो दिखने लगेगा शायद। देखिए ये ऐसे ही आ रहा है कॉल्स में। अब देखिए ये थोड़ी देर ऐसे ही रहा तो ये वापस ऑटोमेटिकली सारे अपने कॉन्टैक्ट डिटेल अपने आप ले लिए और सारे नेम शो करने लगे हैं। तो दोस्तों YouTube में बहुत सारे वीडियो दिए गए हैं, उसमें पता नहीं क्या क्या इस आपको WhatsApp अनइंस्टॉल करने को कहा गया है या कुछ और सेटिंग्स करने को कहा गया है। तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मेन प्रॉब्लम यही होता है जो आपके यहाँ कॉन्टैक्ट में दिया है कॉन्टैक्ट परमिशन ऑन नहीं है आपका WhatsApp में, कॉन्टैक्ट परमिशन में आपका WhatsApp का परमिशन ऑन नहीं है, ये सिर्फ ऑन कर दीजिए, बाकी कोई सेटिंग छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपका कॉन्टैक्ट डिटेल कॉन्टैक्ट्स पूरा नाम शो होने लगेगा नंबर की जगह। तो ये हमने इश्यू को सॉल्व कर लिया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उसको भी अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको अपने आप हाथ से ही अपने आप हाथ से ही उसको सॉल्व कर सके। थैंक यू।